हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आई होप कि सब बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे एंड सब बच्चों की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आप सबको पता है कि डेली 9:30 PM पे हमारी इलेक्ट्रिकल मशीन्स की क्लासेस चल रही है ना। और कहीं बच्चे इंजॉय भी कर रहे हैं, बट मैक्सिमम बच्चे इंजॉय नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि वो फ्री का कोर्स है सर, फ्री क्रेश कोर्स है। फ्री क्रेश कोर्स वहाँ पर लिखा हुआ है मेरे भाई। वो फ्री क्रेश कोर्स जो लिखा हुआ है ना, उस फ्री क्रेश कोर्स की इतनी ताकत है ना कि आप जिस भी पेड कोर्स में आप पढ़ रहे हो, वहाँ पर जो फुल कोर्स पढ़ाया जाता है ना, उससे भी ऊपर है। अब आप समझ जाइए, और 90% के अबाउ क्वेश्चंस आपके उसी से पूछे जाएंगे। मैं 100% तो नहीं बोलूँगा, बिकॉज 100% तो यार कोई सी बुक भी नहीं बोलती कि 100% मेरे कंटेंट से आएगा, है ना। तो मैं कैसे बोल सकता हूँ, है ना। तो लेकिन इतना बोल सकता हूँ कि 90% अबाउ आपके किसी भी स्टेट या स्टेट के JEE और AE की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इसी में से आपका पूछा जाएगा। आप सेंट्रल लेवल का जैसे SSC JEE की तैयारी कर रहे हो, RRB JEE की तैयारी कर रहे हो, SSC EE की तैयारी कर रहे हो, सबके अंदर यही पूछा जाएगा इलेक्ट्रिकल मशीन्स। बोला बेटा, यूट्यूब इतना बड़ा है ना, यहाँ पे आप कहीं पे फ्री क्रेश कोर्स की आपकी क्लासेस चल रही होगी, बार बार नोट्स बनाओगे, बार बार क्लासेस रोक दी जाएगी, आपका पूरे साल भर में एक सब्जेक्ट का कंटेंट भी नहीं बन पाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बेटा, जो फॉलो नहीं कर रहे हो जरूर फॉलो करिए। आपको एक दो सेशन में पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिकल मशीन्स वाकई में क्या है और किस टेंजेंट में अपन इलेक्ट्रिकल मशीन्स को अपन सोच पाते हैं। देखो, मेरा चैनल है तो कभी क्लासेस तो आपकी रुकेगी नहीं, डेफिनेटली आपकी डेली की डेली आपकी क्लासेस होगी। और आप सबको पता है कि मैं 4 सब्जेक्ट आपको डील करने वाला हूँ, बेसिक इलेक्ट्रिकल, पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन्स और सिग्नल सिस्टम। अब बताना है, इन्हीं जो 3 सब्जेक्ट यहाँ पे हैं कोर सब्जेक्ट लाइक पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन्स और नेटवर्क, इनकी इतनी ताकत है ना। मतलब नेटवर्क मतलब बेसिक इलेक्ट्रिकल, गेट में उसको नेटवर्क बोल दिया जाता है, JEE में उसको बेसिक इलेक्ट्रिकल बोल दिया जाता है, बात एक ही है। लेकिन इनकी इतनी ताकत है ना कि इन तीनों सब्जेक्ट के दम पे ना आप कोई सा भी JEE क्वालिफाइड कर सकते हो, अगर बाकी के जो भी सब्जेक्ट है उनको थोड़ा थोड़ा भी आपने पढ़ा था, ठीक है। कहीं बच्चे तो इन्जॉय कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम बच्चे इन्जॉय नहीं कर रहे हैं, है ना। तो इन्जॉय करते रहिए यार। देखो यार, पढ़ाई करोगे तो कई चीज़ें ऐसी होगी जो आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आपका दिमाग सपोर्ट नहीं करेगा। अब आप समझ जाइए कि अगर सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो कम समझ में आ रही है, तो वो ऑब्वियसली बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है, या वो एग्जाम में पूछी जाएगी। जो चीज़ें कम समझ में आ रही है ना बेटा, वो एग्जाम में डेफिनेटली आपकी पूछी जाएगी, क्योंकि वो आपका वीक पॉइंट है। एग्जाम जानता है कि इसका वीक पॉइंट क्या है और वहीं से वो क्वेश्चन पूछता है। तो कभी भी डरिए मत, आपको एक बार में समझ में नहीं आई, दूसरी बार फिर करिए, दूसरी बार में आएगी, दूसरी बार में नहीं आई, तीसरी बार में समझ में आएगी। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि सभी का IQ लेवल एक जैसा होता है बेटा, सबका अलग अलग IQ लेवल होता है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि 2 से 3 बार आपने कर लिया ना, तो आपको डेफिनेटली अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। और टेलीग्राम पे आपको पता है, मैं जो भी क्लास नोट्स होते हैं सब टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर कर रहा हूँ। मैक्सिमम बच्चे वहाँ से डायरेक्ट पढ़ के आधा घंटे में नोट्स उतार लेते हैं। और मैं इस बार को तो क्या बोलूँ मेरे भाई, फील करोगे आप इलेक्ट्रिकल मशीन को, इन्जॉय करोगे इलेक्ट्रिकल मशीन के साथ, और यही इलेक्ट्रिकल मशीन आपसे पूछा जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं आपको, भले आप JEE की तैयारी कर रहे हो, भले आप असिस्टेंट इंजीनियर की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि उस कंटेंट में इतनी ताकत है। असिस्टेंट इंजीनियर आप ESC का भी दोगे ना, तो वहाँ तक की भी ताकत है कि वहाँ के भी क्वेश्चन आप मिला दोगे, ठीक है। तो मैक्सिमम बच्चे तो इन्जॉय कर रहे हैं यार, आप भी इन्जॉय करते रहिए। रात को मिलते हैं अपन 9:30 PM पे, तो सभी बच्चे रेडी रहिए, रात को 9:30 PM पे अपन मिलेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन के साथ, ओके। फिर जैसे ही इलेक्ट्रिकल मशीन हमारा खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल, ओके। थैंक यू एंड टेक केयर।